मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज के दिन में तुम्हारा स्वागत है। फिलहाल दोपहर के 2 बज रहे हैं, कॉफी लेके आ गया हूं मैं यहां पे, कॉफी पीऊंगा सबसे पहले, और उसके बाद चल रहे हैं काम से। मुझे जा रहे हैं यूपीएस वाली दुकान पे कुछ तो डिलीवर करवाने के लिए, तो उस काम के लिए जाएंगे। क्या बढ़िया कॉफी बनाई है यार, मैं मजा आ गया। वाह, जा रहा हूँ मैं ये पेपर लेके, ये जो कागजात है मुझे ये डिलीवर करने हैं। जा रहा हूँ मैं यूपीएस की दुकान में, अपने आप ही वो देखो सब कार्यक्रम करेंगे, इसको पैक वैक एनवेलप डाल के जो भी होता है, मतलब देखते हैं क्या प्रोसीजर रहता है। दुकान में आ चुका हूँ मैं इनकी, मस्त एकदम भेजेंगे सबको। 3 करने हैं और ये खाली ये पेपर वाली डिलीवरी के $33 ले रहा है यार, सबसे सस्ता। दीदी ने तो शुरू किया 90 का है, फिर ये 70 का है, फिर ये 60 का है, 33 पे आके बात खत्म करी है। महंगा सबसे सस्ता बताओ, मुझे क्या करना है इतनी जल्दी भेज के, तब भी इतना महंगा है भाई। ये 3 भेजने के $100 लगे यार, एक के 33 थे, क्रेजी। ये क्या है भाई, $100 यार, $100 3 भेजने के यार। पेपर भेजने के इतने पैसे थोड़ी लगने चाहिए यार, ये तो कोई बात नहीं मानी गई। लाल बस का इंतजार चल रहा है और भारी मात्रा में हवा चल रही है, एकदम क्रेजी अमाउंट में, जैसे कि चलती है यहाँ पे हमेशा ही। अरे ये तो मेरा घर नहीं है। नमस्ते। बंदूक की तरह। ये क्या हो गया, तुम लोगों को निकाल दिया यहाँ से फाइनली? ये ऐसे बिहेव करते हैं ना, है ना? आइए, यश ने कुछ करा होगा। पार्टी वार्टी करता है भाई। वही दारू हुक्का देखा मैंने तेरा मान मारा। $33 क्या पे किया तुमने? गाइस ये डांट पड़ रही है। अरे मैं क्या करूं, 33 मैंने रिकॉर्ड किया, मैं गया वहां पे, दीदी ने 90 से शुरू किया। मुझे लगा भाई मैं क्या करूं, मैं तो उस दुकान में गया, दीदी ने और किसी और दीदी नहीं थे ना। हाँ जो भी था, मैंने कहा दीदी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट से लेट भेजो आप। उसने कहा ठीक है, फिर 33 आएगा। मैं कहा 3 ऑफ देम, कहती नहीं ईच, मैं कहा नहीं चीपेस्ट, कहती यही है। चलो ये जल्दी से ये सब जगह खाली करे तो हम यहाँ क्रिकेट खेल पाए। देखो मैं तो इसलिए ही आया हूँ, जल्दी फटाफट पैकिंग शैकिंग अपना जो करना है। ये लोग ऊपर मूव आउट हो रहे हैं, मतलब नहीं ऊपर मूव इन हो रहे हैं, यहाँ से मूव आउट हो रहे हैं। फर्नीचर की हथौड़ी है इनके, इस हथौड़ी से ये वाले बैट की नॉकिंग हो सकती है। वैसे ऐसा कर देते हैं, इसकी स्ट्रोक बना देते हैं। ये अब हम नए घर में आ चुके हैं, अंगद तो रहेगा नहीं वैसे इस घर में, पर कोई बात नहीं। तो मैं नया घर का रूम टूर, हाउस टूर दे देता हूँ। ये है एक कमरा, ये है लिविंग एरिया, ये है किचन, ये वॉशर ड्रायर, ये भी कमरा है क्या? ये वाला क्या टॉयलेट नहीं दिखा रहे यार, टॉयलेट क्या करेंगे लोग देख के? उधर बहुत सामान है। तो गाने क्यों बज रहे हैं यहाँ बताओ? यहाँ पे सामान है अभी के लिए, लेकिन ये ठंडा हो रहा है। एसी है क्या यहाँ पे? हवा है, अच्छा हवा ठंडी चलती है ना यहाँ। ये कमरा भी सही लग रहा है मुझे, इसमें वाइब आ रही है, इसमें धूप धूप का वो पैटर्न बढ़िया बन रहा है, व्यू भी तगड़ा है इसका। ओहो ये वो जगह है जहाँ हमने क्रिकेट खेला था। आज एग्जाम है ना, रात को 12 बजे एग्जाम सबमिट करना है। करेंगे वो भी करेंगे। नहीं ये सही लग रहा है मुझे कमरा, ये पिलर का वैसे कोई सेंस नहीं है कमरे के बीच में। नहीं ये बीम होगा, इसे कटवा दो। गिर जाएगा बिल्डिंग। पर ये इसके अराउंड कैसे दुनिया बैठेगी, मतलब अगर मान लो टेबल जोर से मारा है, ऐसे पंच कर रहा है।
अरे भाई ये मैं तो नॉर्मल बैट से टच कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ, बॉल की स्पीड के साथ जा रही है बहुत तेज है भाई, मार दूंगा मैं। नहीं इधर का थोड़ी है, सेकंड वन नहीं, सेकंड। अरे किस बात की बात नहीं है, आठ रन आउट, नौ रन आउट, आउट। अरे इधर का कहाँ आउट है, पंद्रह सत्रह। अरे मेरा मोमेंटम ब्रेक कर रहे हो, बाहर के तो बाहर को टाइमिंग अच्छी है तो क्या कर सकते हैं, रुक फिर से डाल, फिर से डाल, मुझे पता तो चले ना कैसी बॉल आ रही है, मुझे स्पीड से प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ मुझे स्पीड से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बॉल उतनी तेज जाएगी बस पे। यार मैंने बड़ी देर से फोन लगा रखा था रिकॉर्डिंग ऑन करके कि तुम्हें दिखाऊंगा, फोन पता नहीं अपने आप बंद हो गया यार, रिकॉर्डिंग ही बंद हो गई, किसी का फोन आया हो, फोन आया है किसी का, गाइस आदित्य का फोन आया है, बीच में बताओ मेरी रिकॉर्डिंग रुकवा दी, पता नहीं कौन से मोमेंट पे रुकी होगी, क्या कंटेंट मिला होगा। भाई साहब घर में पहुंच चुका हूं और फिलहाल मैं अपने लिए ले आया हूं ये फायरी चिकन और वुंडूडू कुछ तो ऐसा सा नाम होता है इसका, टेस्टी होता है फायरी चिकन और साथ में टर्मरिक राइस होते हैं आई गेस, तो अभी ये एंजॉय करूंगा फिर एग्जाम दूंगा। दोस्तों काफी ज्यादा वक्त बीत चुका है बीच का और मैं काफी ज्यादा बिजी था, मैं बिजी था इसकी वीडियो एडिट करने के चक्कर में क्योंकि इसको कुछ आता नहीं है, सो आई हैव टू हेल्प हर एवरी टाइम शी मेक्स वन वीडियो, सो इट्स लाइक अ लायबिलिटी आई एम कैरिंग विद माय सेल्फ, आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश सो दैट शी कैन आल्सो अंडरस्टैंड एट द सेम टाइम, एनीवे कीप गोइंग, आई एम थिंकिंग व्हाट शुड आई स्पीक। सो गाइस एग्जाम मेरा डन हो चुका है, एग्जाम दे दिया मैंने 20 मिनट में, 50 क्वेश्चन थे एमसीक्यू, टक 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 12 वो हो चुका है, उसके बाद वीडियो बनाई है, अभी मैं अपनी वीडियो एडिट कर रहा हूँ क्योंकि देखो कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में, और उसके बाद घर जाऊंगा, रात काफी हो चुकी है, मैं खाना बना रहा हूँ अपने लिए, एक तो फुलके बना रहा हूँ साथ में बना रहा हूँ मैं ये चना मसाला छोले हैं मतलब बेसिकली। Hey, yeah.